टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? ये मेरा बर्थडे ब्लॉग है, ठीक है। मेरे बर्थडे 26 अगस्त को था, तो मेरे बर्थडे के लिए टाइम क्या क्या हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत टाइम बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, मुझे पता है। बहुत ऐसे कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गया तो बहुत बिजी हो गई थी इसीलिए, ठीक है। तो मेरा बर्थडे ब्लॉग देखना चाहते हो? ओके, तो मैं उस थोड़ा सा मैं कुछ बता देती हूँ कि मेरी मौसी आई थी और मौसी के पापा मम्मी आए थे, ठीक है, मेरे बर्थडे के पहले दिन 25। तो आए तो हम लोग बहुत घूमे, 25 के शाम को हम लोग घूमने गए थे, ठीक है। तो मैं वो आप लोग को दिखाती हूँ अभी, वो आप देखो। लेकिन मेरे को पता है सरप्राइज़ मिल गया, बड़ा सरप्राइज। हमारे चर्च के कुछ लोग आए, भैया लोग आए और मेरे दोस्त लोग थे, उन लोग केक लेकर आ गए थे। जैसे 12 बजे ना दरवाज़ा से खोले और उसके बाद फिर पॉपअप फोड़ के हैप्पी बर्थडे ऐसे करके बोले, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो? चलो जाओ देखो। जन्मदिन मम्मी को भी छुपा हुआ था घर के आस पास ही, कुत्ते का बॉक्स के अंदर तो नहीं। अरे भाई फूको भैया फूको। कैसे लग रहा है तू इधर आ? वैसे भी तू अभी पैदा नहीं हुई है, ठीक है ना, तो तेरा केक काटने कोई मतलब नहीं। 7:30 बजे ही पैदा होगा। हाँ ठीक है, समझ गया। तो अभी वापस जा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एसिमो, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस योर लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू डियर, मे गॉड इसका हाइट छोटा है, मैं क्या करूं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
मैंने क्या बोला बलन, मैं देने के लिए रेडी है मगर तुम्हारा साइज का नहीं नीचे नहीं जाना है। मेरा फेवरेट खाना है, पूरा गंदा कर देते हैं। बहुत टेस्टी है केक। अबा फेवरेट नोक चा। देख ली ओके, तो ऐसा 12 बजे मेरा बर्थडे ऐसी मनाए। उसके बाद दूसरे दिन सुबह हुआ, फिर सुबह फिर मेरी मौसी लोग का ट्रेन था तो लोग चले गए। उसके बाद फिर क्या हुआ था, हाँ फिर मैं ऐसी ऐसी नॉर्मल बैठी थी। फिर उसके बाद दोपहर का टाइम हुआ, तो दोपहर के टाइम में मैं सोची कि क्यों ना मैं अपना बर्थडे ड्रेस पहन के मैं फ़ोटो लू करके। मैं इस साल सोची कि अपना बर्थडे एकदम ग्रैंड बर्थडे हर साल मनाती हूँ ना, तो इस साल मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन मैं छोटा सा बर्थडे मनाऊँगी करके सोची थी। तो मैं अपना बर्थडे ड्रेस मैं ही खुद अपने लिए एकदम सेलेक्ट करके मैं खुद खरीदी थी और मैं उसको पहन के फोटो शूट की थी। तो आप देखना चाहते हो, जाओ देखो। कमेंट में बताना अच्छा लग रहा है तो ठीक है ओके। उसके बाद फिर मैं फ़ोटो ली। फिर उसके बाद ना एक दीदी और हमारे चर्च की एक दीदी और भैया है, वो मुझे गिफ्ट्स दिए। दीदी ना मुझे कैसे गिफ्ट दिए पता है, मेरे घर के पूरे कोने कोने में कहाँ कहाँ अलग अलग बेड के नीचे, एसी के ऊपर, सोफ़ा के नीचे, हर जगह ना छुपा के रखी थी। आठ नौ गिफ्ट्स कुछ थे, वो बस छुपा के रखी थी। वो मेरे को ढूंढना था तो मैं वो सब ढूंढ के, लेकिन उसका वीडियो नहीं ले पाई लेकिन हमने। और वो दीदी मेरे लिए कुछ अपने हाथ से वो खाने का कुछ भी लेकर आई थी, तो उसका वीडियो आप अभी देखो ठीक है। आकृति दीदी बनाई है सुबह 4 बजे क्या है इसका नाम? चॉकलेट टार्ट चॉकलेट को डाटा दांत मत दिखा मुझे। देख लिया ना। फिर उसके बाद भैया मेरे को एक प्रैंक टाइप का गिफ्ट था, वो मतलब ऐसा पूरा उसको खोलना था उसके अंदर, लेकिन एक सुंदर सा गिफ्ट था, तो वो भी आप देखो। दे दिया उसका भी तू पूरा झिल्ली झिल्ली मेहनत कर रही बताओ इतना। अरे वाह 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 कितना सुंदर दिख रहा है ना। हनी आपसे उसका नाम वही रख देना है, उसका नाम पढ़ गुची गुची। हमसे हद्दी का नाम ना सेम कर गुची गुची। ओके देखिए, तो ऐसे दोपहर का टाइम ऐसे हम लोग मेरे भैया चर्च के भैया और दीदी आए थे मेरे को गिफ्ट देने के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, हाँ फिर शाम को बाइबल स्टडी था हमारा। सैटरडे मेरा बर्थडे सैटरडे के दिन था और हमारा सैटरडे को हर हफ्ता बाइबल स्टडी होता है, तो उस बाइबल स्टडी में मैं गई, हम लोग गए। तो वहाँ पे एक घर हमारे चर्च के विश्वासी के घर में होता है बाइबल स्टडी, तो वहाँ पे मेरा बर्थडे छोटा सा मनाया। वहाँ के उस घर के अंकल केक लेकर आए थे, तो वो बर्थडे में मनाई। तो चलो उसका आप देख लो। Happy birthday to you,
देख लिए तो ऐसा छोटा सा मेरा बर्थडे मनाया। उसके बाद फिर मैं घर आई तो फिर मैं सोची क्यों ना मैं खुद अपने फैमिली के साथ, पापा मम्मी मैं हर्षियन और मेरे भैया लोग भी थे, दोस्त लोग थे, हम लोग सब छोटा सा बर्थडे, मैं अपना बर्थडे मनाई तो मैं उसका छोटा सा वीडियो ली, उसको भी आप देखिए। तुम्हारी फैन आ गई है यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हैप्पी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे ये जो वस्त्र है ऊपर से, अरे बाप रे, और कितने साल के होंगे? तो इसका मतलब अगले साल तेरी शादी करवा दे। और बता तेरा यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है, और तेरे कॉलेज के फ्रेंड्स सब लोग? तो इसका मतलब तो कल तू कॉलेज जाएगी तो फिर पार्टी तो पक्का है, तो एक और ब्लॉग बनने वाला है शायद कॉलेज जाके। तो कितने केक कटेंगे सब यूट्यूब में डालेंगे ना, डालेगी ना, चलो उसमें देखेंगे, है ना। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। Happy birthday, Esther Bichetti. Happy birthday, Esther Bichetti. Happy birthday, Esther Bichetti. Happy birthday, Siva. Happy birthday, Siva. Uma. देख लिए ना कितना प्यारा था ना वो बच्चे लोग, इतना अच्छे से विश किए, और सब लोग, कितने सारे लोग मुझे विश किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, उसके बाद फिर दूसरे दिन संडे था, तो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स लोग भी बोले कि हमें तो पार्टी चाहिए करके, तो मैं कॉलेज फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बर्थडे मनाने गई थी। उन लोग मेरे लिए, मेरे को स्पेशल फील कराने के लिए मेरे को लेकर गए थे, तो वो वाला वीडियोस भी आप देख लो।
बर्थडे ऐसे ही मनाए थे। मैं चाहती थी कि थोड़ा सिंपल स्वीट थोड़ा सा इस साल मेरा बर्थडे मनाए, क्योंकि मैं बड़ी होती जा रही हूँ, अब मैं कितना ग्रैंड पार्टी मनाऊँगी है ना। तो मैं सोची हेप्जियन का इस साल बर्थडे एकदम ग्रैंड टाइप का मैं उसका मनाऊँ, तो इसलिए हेप्जियन का बर्थडे मनाई थी। आप लोग देख लिए होंगे, इससे पहला वाला ब्लॉग तो हेप्जियन का बर्थडे ब्लॉग था, है ना। ओके, तो मेरा बर्थडे इतना ऐसे मनाए थे। तो ये हमेशा जब मैं बड़ी भी हो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा उम्र की भी हो जाऊँगी, तो मैं अपना वीडियोस देख सकती हूँ ना कि हाँ मेरा बर्थडे ऐसे ऐसे मनाए थे। तो इसलिए एक मेमोरीज टाइप का भी ये वीडियो, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई ताकि ये मेरा हमेशा यादगार रहे। ओके, तो इतना ही था मेरा बर्थडे ब्लॉग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।